कुछ लोग 10,000 रुपये महाना कमा के भी राजी हैं और कुछ 10 लाख कमा के भी परेशान। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड, आई एम आल्सो फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त है उन लोगों के लिए जो कि परेशान हैं अपनी इनकम से रिलेटेड, अपने खर्चों से रिलेटेड, के बहुत ज़्यादा खर्चे हैं और जी हमारी इनकम कम है। तो आपको मैं एक बार बताऊँ, एक इंसान है जिसने अपनी जॉब स्टार्ट की 15,000 रुपये सैलरी महाना से, अब कुछ सालों के बाद उसकी तनख्वाह 10 लाख रुपये है, फिर भी उसके खर्चे पूरे नहीं हो रहे। वजह क्या है? वजह है जी हमारी टेम्पटेशन, हमारी ख्वाहिशात, हमारे खर्चे, जो कि देखते हैं सैलरी या देखते हैं इनकम को, उसके साथ साथ अपने जितने खर्चे हैं उसको बढ़ा लेते हैं, अपनी ख्वाहिशात को और इंक्रीज़ कर लेते हैं। अच्छा, सब बातों को एक साइड पर रख के अगर आप सोचो ना अपने ज़हनी सुकून को, तो वहाँ मुझे ना मिनिमलिज़म का एक कॉन्सेप्ट इतना पसंद है। आपने कभी अंग्रेज़ों के घर गए हों या फिल्मों ड्रामा में कहीं आपने देखा हो ना, तो उनके रूम्स में बहुत मिनिमल फर्नीचर पड़ा होता है, एक बेड, दो चेयर, एक छोटा टेबल, जस्ट मोर देन इनफ है। उनकी वॉल्स जो हैं वो ज़्यादा भरी भी नहीं होती, बहुत बहुत कम होती हैं, और उनकी जो पेंट होते हैं ना वाइट कलर के होते हैं, और वो बहुत नीट लुक देते हैं, बहुत सेटिस्फाइड और सुकून दे माहौल। वो लोग क्या करते हैं ना, उनमें कॉन्सेप्ट है मिनिमलिज्म का, वो बहुत कम चीज़ें लेते हैं। पता है ज़हनी सुकून, ज़हनी सुकून किस चीज़ में है? आपके पास अगर जितना भी आपके पास सामान ज़्यादा होगा आप स्ट्रेस में रहोगे, आपके घर में ये भी पड़ा है, ये भी संभालना है, ये भी संभालना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका घर भरा हुआ है चीज़ों से, अब आपने सफाई करना स्टार्ट किया, अगर कोई आ रहा है गेस्ट अचानक से, आप क्या क्या संभालोगे और क्या क्या फेंकोगे? आप अगर डेली डीक्लटर करते रहो ना अपने लाइफ को, डेली अपने घर को देखो, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ है उसको डोनेट कर दो, आपको नहीं चाहिए, अगर एक साल तक आपने कोई चीज़ यूज़ नहीं की तो आप सोच लो कि आप इसको आगे भी यूज़ करने वाले नहीं हो। इस तरह से एक तो ये है, दूसरा ये है कि इतनी ज़्यादा चीज़ें ख़रीदनी ही नहीं चाहिए कि जो कि आप संभाल ही ना सको, वो आपके ऊपर ना एक बर्डन और एक स्ट्रेस क्रिएट करता है। आपने पहले वाली भी चीज़ें रखी हुई हैं और ख़रीदी जा रहे हो, अपने खर्चों को बढ़ा ही जा रहे हो, तो ये चीज़ ना वैसे ही ज़िंदगी में बहुत स्ट्रेसफुल है। आप इसको ट्राई करके देख सकते हो। अच्छा, आप अपने खर्चों को ना इतना बढ़ा देते हो, लाइक अगर किसी इंसान की ना, कुछ लोग हैं जो कि करोड़ों कमा रहे हैं, करोड़ों, फिर भी वो बैठे हुए नहीं हैं कि बैठ गए हैं बस, ये करोड़ों हैं हमारे पास तो हम रेस्ट कर लेते हैं, ज़िंदगी को थोड़ा सा सुकून दे देते हैं। नहीं, वो भी काम पर काम करी जा रहे हैं, करी जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने खर्चे अपने इतने बढ़ा लिए हैं ना कि अगर वो बैठ जाएंगे तो वो तो एक दो माह तक वो ख़त्म हो जाएगा उनका जितना भी खजाना है। इस वजह से हर इंसान मेहनत तो कर रहा है लेकिन उसके पास वो सुकून क्यों नहीं है जो कि इतनी मेहनत के बाद होना चाहिए, क्योंकि हमने अपनी लाइफ को इतना ज़्यादा जो है ना अनरियलिस्टिक वे पर चलाया हुआ है, दूसरों को देखा देखी, फजूल के शौक। और एक तो ये जो हम लोग बिला वजह की शॉपिंग करते हैं और बिला वजह से ड्रेस अपने ऊपर बर्डन क्रिएट कर लेते हैं, इतने ड्रेसेस ले लेते हैं जो कि हमारे से बाद में संभाले नहीं जाते, इतने जूते इकट्ठे कर लेते हैं। वो एक मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बात बताऊँ, सिंपलिसिटी में बहुत ज़्यादा रिलीफ है, इतना सुकून है ना, ये कोई पढ़ी लिखी बात नहीं, ये एक एक्सपीरियंस बात है क्योंकि मैंने आजमाई भी है। पहले जितने भी साल गुजरे हैं उनसे कुछ सीखा है। मुझे बहुत शौक़ होता था जूते तरह तरह के, जो देखा पसंद आया 3-4 इकट्ठे ख़रीद लिए, कपड़े एक से दूसरा, दूसरे तीसरा जो पसंद आए बनवाए, उस पर इतनी डिज़ाइनिंग और हैवी हैवी ड्रेसेस एंड एक्सेसरीज़ का बहुत शौक़ होता था, ज्वेलरी ये भी पहन लो, ये भी पहन लो, मेकअप फुल। अब जैसे जैसे लाइफ गुजरती है तो मुझे मतलब समझ में आया ये चीज़ें जो है ना हमारे स्ट्रेस लेवल को भी हाई करती हैं और हमारा इमेज भी जो है बहुत ड्रॉप कर देती हैं। हमारे इमेज को इंक्रीज़ नहीं करती, हम लोग कहते हैं लोगों को देखा देखी, वो चीज़ फलाम, ये भी कर लें, वो भी कर लें, ये तो देखो पहले आप पे सूट क्या कर रहा है, आपको इस चीज़ की ज़रूरत है भी या कि नहीं, किसी को देख के कर रहे हो? तो अगर किसी को देख के कर रहे हो तो बिल्कुल उसको छोड़ दो। देखो, एक कॉपी पेंसिल लो और उस पर ना आप लोग ये लिखो क्या चीज़ है ऐसी, क्या क्या ज़रूरतें ज़िंदगी में हैं जिनके बगैर गुजारा नहीं है, और कुछ मतलब सारी लिख डालो ना जो जो आपकी ज़रूरतें आपने बनाई हुई हैं, उसमें से आप देखोगे आधी से ज़्यादा चीज़ें तो बिला वजह ही आपकी ज़िंदगी पे अडॉप आपने की हुई हैं, इतने हर चीज़ आपने बिला वजह के पाले हुए हैं, आपको चाहिए भी नहीं है। अब आप उनको ना सेग्रीगेट कर लें, अब उनको सेपरेट करके देखें,
आप जितनी बहुत ज़रूरी है ना चीज़ें जिनके बगैर आप रह नहीं सकते, जो खर्चे ऐसे हैं, कुछ बिल्स हैं, कुछ एक्सेसरीज ऐसी हैं लाइक वो स्कूल की फीसेज, ये वो तो ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी हैं जिनके बगैर आपका गुजारा हो सकता है और बहुत अच्छे से हो सकता है। आपने उसको वैसे ही देखा दी कि अपनी ज़िंदगी में हाँ घुसाया हुआ है, उन चीज़ों को आप सेपरेटली अगर लिस्ट बना के लिखो ना, तो आप यकीन कीजिए आप सोचेंगे कि इतनी चीज़ें तो फजूल में मैंने अडॉप्ट की, इनको तो मुझे ये चाहिए ही नहीं है अपनी लाइफ में, मैं इनको कंट्रोल कर सकता हूँ। अच्छा, यहाँ कुछ लोग एतराज़ कर सकते हैं कि क्या अब हम अपनी एंटरटेनमेंट को ख़त्म कर दें बिल्कुल ही और हम लोग क्या इन्जॉय ना करें। बिल्कुल कीजिए, मैं आपको अल्टरनेटिव बताती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप मूवी देखते हो महीने में 3 से 4 दफ़ा, ठीक है, जब संडे आया हस्बैंड को कहाँ चलें जी मूवी देखने, अब हस्बैंड बेचारा क्या करे, लाइक उसको भी रेस्ट चाहिए, संडे आया अगर वो जॉब करते हैं तो उनको चाहिए कि रिलैक्स हों और देखें। आप क्या कर सकते हो ना, आपके घर का कोई भी एरिया, टीवी लॉन चाहिए या बेडरूम या ड्राइंग रूम जो भी, जिसमें कि आप समझ सकते हो कि ये सूटेबल सेटअप हो सकता है, आपने लगाई LED, ठीक है, आपने फेरी लाइट्स लगाई, हल्का सा रूम फ्रेशनर लगाया, कुशंस रखे, ऐसा एटमोसफेयर क्रिएट किया, सारी लाइट्स बंद की, कोई अच्छी सी मूवी, फैमिली मूवी डाउनलोड की, पॉपकॉर्न्स बनाए, टी लवर्स हैं तो टी बनाई, कॉफ़ी लवर्स हैं तो कॉफ़ी बनाई, वट एवर यू वॉन्ट टू ईट यू कैन मेक इट एट होम, सो इट्स द बेस्ट वे। तो आप देखेंगे ये कितना अच्छा सा एटमोसफेयर, इतना अच्छा एम्बियंस क्रिएट होगा कि आपके बच्चे भी हैप्पी, आप भी हैप्पी है, इतना अच्छा फैमिली टाइम आपका स्पेंड होगा कि आप सिनेमा से ज़्यादा इंजॉय करेंगे अपनी मर्ज़ी से। और बाहर आप जब जाते हो, देखिए आपके पेट्रोल का खर्चा, आप फिर बच्चे से आ जाते हैं, वो भी कुछ चीज़ें मांग लेते हैं, फिर वहाँ खाना पीना, फिर मूवी की टिकट्स, और फिर थकावट बहुत ज़्यादा अलग, और माइंड मतलब हस्बैंड का हो सकता है फ्रेश हो ना हो। तो आप घर में ऐसा माहौल क्रिएट करिए कि घर पे ही इस तरीके से छोटी मोटी सी बचत करके आप अपने आप को खुश भी कर सकते हैं, स्ट्रेस भी कर सकते हैं, इंजॉय भी कर सकते हैं। फिर जहाँ महीने में 4 दफ़ा बाहर घूमने जाते थे, 1 दफ़ा चले जाइए, इट्स अप टू यू। तो आई होप यू लाइक टुडेज़ वीडियो। अल्लाह हाफिज़।